बराना का प्राथमिक विद्यालय अपनी किस्मत पर बाह रहा आशु। विकासखंड पनवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगारा घाट में सम्मिलित ग्राम बराना के प्राथमिक विद्यालय की आंखों देखी कहानी यह है कि जब मीडिया कर्मियों की टीम शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का हाल जानने को पहुंचे तो विद्यालय की स्थिति, विद्यालय के बरामदे में गंदगी का अंबार लगा था। केवल प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। विद्यालय स्थिति यह कि बाउंड्री के अंदर हरा चारा लगा है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। जब अध्यापक योगेंद्र कुमार उपस्थित मिले तो वरिष्ठों में विद्यालय का कलम पूरा करने लगे। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि छात्रों की संख्या 6 है, 2 अध्यापक तथा 1 शिक्षा में तैनात है, जो कि एक अध्यापक और शिक्षा मित्र अवकाश पर हैं। और इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि छात्रों की संख्या कम है, इसलिए अध्यापकों को दूसरे विद्यालय में अटैच किए जाने की बात की। जब नगारा घाट के प्रधानपति से बात की तो उनका कहना था कि विद्यालय की बाउंड्री का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। शासन एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सर जी, नाम क्या है आपका? कहाँ पे तैनात हैं आप? प्राथमिक विद्यालय बराना में। आज बच्चे नहीं आए स्कूल में, क्या समस्या है? सर, बच्चे एक तो नामांकन कम है, पहली बात। कितना है नामांकन? नामांकन 6 बच्चों का है। अच्छा, और स्टाफ कितना है? स्टाफ 2 लोगों का। कौन कौन? अमित कुमार साहब जो छुट्टी पे हैं। अच्छा, कब से छुट्टी पे? आज। अच्छा, और कौन? और योगेंद्र कुमार हम। अच्छा, योगेंद्र कुमार। कोई शिक्षा मित्र वगैरह? हाँ, शिक्षा मित्र थे, आज सुनवाई नहीं, वहाँ पर घर पे हैं। क्यों नहीं आई? अब वो घर पे जाना पड़ेगा, दावे साहब की। नहीं नहीं, इधर छुट्टी लगी उनकी क्या? हाँ। अच्छा, रोज़ नहीं आती है क्या कभी? नहीं नहीं, आज नहीं आई है। आज नहीं आई? कहाँ रेस्ट टाइम छुट्टी लगी, दिखाएंगे अभी मतलब चली नहीं उनकी। तो ये ऊपर गंदगी डली, इसमें कोई समय गोबर वोबर गाय वगैरह? सर, जैसे दिन को आधे साफ कर लेते हैं। अब मतलब रात को मैं स्कूल की गेट लगा रही है, बाउंड्री पूरी कंप्लीट है नहीं है, जिस वजह से रात को बरसात होती है, दिन में बरसात होती है, तो जानवर यहीं आ जाते हैं। यहाँ प्रधान कौन है? प्रधान है कि प्रेमचंद, उनकी पत्नी है प्रेमचंद भाई साहब की, वो प्रधान है नगाय घाट राजपुर से। और एक दो दिन बाद हम लोग को बोला है कि भैया बनवा दीजिए और गेट लगवा दीजिए।